हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। बाबा रामसा पीर की जय। और बाबा रामसा पीर की यात्रा का आज हमारा ये चौथा दिन है और आज हम पहुँच चुके हैं पोखरण से लगभग 5 किलोमीटर पीछे हैं। और रास्ते में हमें ये बाबा मिल गए जो इंस्टाग्राम और फेसबुक मीडिया पर काफ़ी सारे मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बाबा की यात्रा दोस्तों बता देता हूँ कि ये बाबा है जो ये 3 पहियों वाली साइकिल दिखाई दे रही है आपको, ये साइकिल के पीछे ये अपने घुटनों के बल रगड़ रगड़ चल रहे हैं ये। और बाबा को यात्रा करते हुए आज 37 दिन हो चुके हैं, पूरे 1 महीना और 7 दिन हो चुके हैं। और बाबा को देख सकते हो अभी आराम कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं यहाँ पर पोखरण से 4-5 किलोमीटर पीछे हैं। तो बाबा अभी तक जो यात्रा एक दिन का टारगेट है 4-5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के अंदर ही रहता है बाबा का। तो देख सकते हो आप काफ़ी वायरल हो रहे हैं ये बाबा और इनकी यात्रा को सलाम है जो अपने घुटनों पर ये देख सकते हो क्या बांध रखा इन्होंने। ये जो ट्यूब है, ट्यूब के काफ़ी सारे बड़े टुकड़े हैं जिसके अंदर कोई कपड़ा फंसा कर अपने घुटनों पर डाल दिया ताकि पैर ख़राब ना हो। देख सकते हो बाबा पानी पी रहे हैं और काफ़ी बाबा की यात्रा यार गजब की यात्रा है। और इस यात्रा में बाबा को लगभग 40 दिन लग ही जाएंगे। अभी ये रामदेवरा से 14 किलोमीटर पोखरण से रामदेवरा और अभी 5 किलोमीटर पोखरण है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पोखरण है, यानी 19 किलोमीटर अभी तक बचा है बाबा की यात्रा का। तो ये लगभग 2-3 दिन के अंदर ये भी निकाल ही देंगे, देख सकते हो। तो चल बाबा की बातें सुनते हैं। और दोस्तों बाबा की 11वीं यात्रा और ये रावण राजपूत असड़क के रहने वाले हैं। तो देख सकते हो इनका नाम वगैरह और कुछ लिखा हुआ है एड्रेस। और आगे बाबा क्या कहते हैं एक बार देखते हैं, बाबा से बातें सुनते हैं। और दोस्तों बाबा की इस अद्भुत यात्रा में भक्तों द्वारा की गई सेवा में इनकी कोई कमी नहीं रखते हैं। बाबा को यात्रा के दौरान हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बाबा के जो भक्त हैं रामसा पीर के, वो उनको थकान और किसी प्रकार की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। बाबा रामसा पीर की कृपा भक्तों पर सदैव ऐसे ही रहती हैं। ये बाबा जी अपने घर और किसी परिजन से बात कर रहे हैं फिलहाल, और जब हमने बात करना चाहा तो बाबा जी ने कुछ ही बातें हमें बताई हैं। और बताया बाबा जी ने कि हमें रास्ते में मीडिया और जो इंस्टाग्राम रील्स वाले हैं वो काफ़ी लोग मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम काफ़ी ऐसे चला जाता है। और देख सकते हो फिलहाल हमारे पास ही हमारे ग्रुप के अलावा बाबा के पास रुक रुक कर लोग वीडियो बना रहे हैं और उनसे बातें करते हैं। और बाबा के पास ही हमारे स्टाफ वाले हैं जो विकलांग है, एक है हमारे स्टाफ में जो भी साइकिल लेकर आए हैं हमारे साथ ही, तो बाबा इनसे भी बातें कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं और जो इनकी पर्सनल बातें हो रही हैं। तो बाबा की यात्रा देखते हैं, बाबा किस प्रकार यात्रा करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और पूछने पर हमें यही बताया बाबा ने कि हमें रामदेवरा पहुँचने में 2-3 दिन और लग ही जाएंगे। बड़े बात है,